ગુડ મોર્નિંગ. આજે આપણે કાવ્ય 3 નન્ના મુન્ના રાઈ હું એના અભ્યાસના પ્રશ્નો જોશું. તો પહેલા પ્રશ્ન છે, પ્રશ્ન 1, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ. તો ઉસમે પહેલા પ્રશ્ન હે, એસે કાર્ય બતાવો જો તુમ દેશ સેવા કે લિયે કરના ચાહતે હો યા કરતે હો. तो उसके आंसर में हम देखेंगे कि ऐसे कार्य जो मैं देश सेवा के लिए करना चाहता हूं, यही कहे छे कि एवो काम के जे हूं देश सेवा माटे करवा मांगू छूं. तो उसका आंसर, मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूंगा. क्या नहीं करूंगा? किसी से झगड़ा नहीं करूंगा या गाली गलोच नहीं करूंगा. दूसरा, मैं कूड़े दान में ही कूड़ा डालूंगा. हमारे देश को स्वच्छ रखने के लिए हम क्या करेंगे? तो जो कूड़े है वो हम कूड़े दान में ही डालेंगे. मैं पानी की बचत करूंगा. हम पानी वेस्ट नहीं करेंगे. कहीं जाते हैं तो जो नल होता है पानी का, वो इसमें से पानी टपक रहा है, हम देख रहे हैं, फिर भी हम बंद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे. क्या करेंगे? हम पानी का जो नलका है उसे बंद करेंगे. और कहीं भी पानी जो वेस्ट होगा तो हम उसकी बचत करेंगे. चौथा, मैं बिजली की बचत करूंगा. बिजली बचाएंगे हम. जो जरूरत, जितनी भी जरूरत होगी उतनी हम बिजली का वपराश करेंगे. पांचवा, मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा. हाँ, क्या करेंगे? हम अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे. उसमें दूसरा है, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? तो उसके आंसर में हम लिखेंगे कि अगर मैं सिपाही होता तो, उसमें एक पहला पॉइंट, डटकर सरहदों की रक्षा करता. सरहद की कोई भी मुसीबत आए हम उससे पीछे नहीं हटेंगे. मैं क्या करूंगा? तो सरहद की रक्षा करूंगा. दूसरा, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता. हम कोई भी मुसीबत आए पर हम राष्ट्र का द्रोह नहीं करेंगे. आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता. हम देख रहे हैं कि कहीं सिपाही ऐसे जो लड़ते हैं उसमें घायल हो जाते हैं, उसमें उसकी मृत्यु भी हो जाती है. लड़ते लड़ते, देश की सेवा करते करते, वो सब देश सेवा करते करते वो अपने प्राण भी दे देता है. तीसरा है, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा? उसके आंसर में हम लिखेंगे कि लड़ते लड़ते घायल होने वाला जो सैनिक है वो सोचता है कि मैं घायल ना होता तो अंत तक जुटता रहता. जो लड़ाई होती है उसमें ऐसा सोचता है, घायल हो जाने के बाद तो वो पूरी तरह लड़ नहीं सकता है, जितना हो सके उतना तो वो अंत तक लड़ता है, लेकिन जो नहीं लड़ सकता, ज्यादा घायल हो जाता है, तो वो मन में सोचता है कि जो मैं घायल ना होता तो अंत तक जूझता रहता. दूसरा है, मेरे साथी सैनिक भावुक न हो तो अच्छा है. कि मैं तो घायल हो गया हूँ पर मेरे जो दूसरे सैनिक है वो जो भावुक हो जाएगा तो लड़ नहीं पाएगा, तो वो सोचता है कि वो भावुक न हो तो पूरी तरह से वो लड़ सके. चौथा, हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताओ. तो उसके आंसर में, हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें तीन रंग है. तिरंगा मतलब तीन रंग है. तो कौन सा रंग है? केसरिया, सफेद और हरा. केसरी, सफेद अने लीलो. केसरिया रंग वीरता और बलिदान का है. किसका है? वीरता का प्रतीक है और बलिदान का प्रतीक है. जो सफेद है वो रंग शांति का, और हरा रंग जो है वो हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है. उसमें दूसरा जो रंग प्रश्न है, इस गीत में बच्चे द्वारा
देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब, जब एटले उसमें पहला प्रश्न है, बच्चा धूप में पसीना बहाएगा। काव्य में आती है ना ये पंक्ति, तो ये पंक्ति द्वारा बच्चा क्या कहना चाहते हैं? उसके आंसर में, तो खेत हरे भरे हो जाएंगे जो वो पसीना बहाकर बच्चा काम करेगा धूप में, तो क्या हो जाएगा, खेत जो है हमारे वो हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे। ज्यादा फसल होंगे जो ज्यादा मेहनत करेंगे तो देश समृद्ध हो जाएगा। दूसरा, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे, तो उसका आंसर है, तो दुनिया में शांति बने रहेंगी। जो कहीं भी बम नहीं गिरेंगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो क्या होगा, तो शांति देश में बनी रहेगी और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा। तीसरा है, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा, तो उसका जवाब, तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगा। जो जो उसकी मंजिल है वहां पहुंचने के लिए वो कुछ भी करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, उसके मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते में उसे कितनी तरह की मुसीबतें आएंगी, लेकिन वो उसका डर कर सामना करेगा और वो आगे ही बढ़ेगा, तो उसको मंजिल जो है वो अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी, वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। प्रश्न जो था, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो क्या हो गया, तो उसके आंसर में, तो दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग उतर आएंगे। अब प्रश्न त्रीजा, तीसरे के अंदर गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कहीं अवसरों पर बोलते हैं, सोचो और बताओ। तो उसमें पहला है एक प्रश्न, तुमने यह नारा किन अवसरों पर बोला है? उसके आंसर में, हमने यह नारा 15 अगस्त, क्योंकि हम स्वतंत्र दिन मनाते हैं ना तब, और दूसरा 26 जनवरी जो प्रजासत्ताक दिन है, तीसरा गांधी जयंती और शहीद दिन आदि ऐसे अवसरों पर हम ये नारा बोलते हैं। दूसरा है, इस नारे के अलावा आप और कौन से नारे बोलते हैं? तो उसके आंसर में आएगा, इस नारे के अलावा हम जय जवान जय किसान, आजाद हिंद जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहो, आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे आदि नारे बोलते हैं। प्रश्न चार, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है, तुम भी बड़े होकर कुछ ना कुछ बनना चाहते होगे, तो बताओ क्या बनना चाहते हैं? तो उसके आंसर में पहला प्रश्न है, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो सब अपनी अपनी राय देनी है, क्योंकि सभी को एक तो बनना नहीं है, कोई सब अलग अलग सोचा होगा कि मुझे सैनिक बनना है, मुझे शिक्षक बनना है, तो जो भी सोचा होगा वही आएगा, मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। दूसरा, क्यों बनना चाहते हो? आप जो भी बनना चाहते हो उसकी कोई वजह होगी, तो आप क्यों बनना चाहते हो? उसके आंसर में हम लिखेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनाना चाहता हूँ, जिससे देश हर दिशा में प्रगति करता रहे। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे, इसमें पहला प्रश्न है, धूप में पसीना से क्या होगा, पसीना बहाने से क्या होगा? तो धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे, क्योंकि हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो फसल भी अच्छी होगी और खेत हरा भरा रहेगा। दूसरा, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो जो नन्ना मुन्ना राई सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। प्रश्न त्रीजो, नन्ना राही सबको क्या सिखाएगा? इसके आंसर में, नन्ना राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। चौथा, नन्ना राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? उसके आंसर में, नन्ना राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा।
देश का सिपाही कौन है? तो उसके आंसर में नन्ना जो बालक है वो देश का सिपाही है। छठू, नन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा? उसके आंसर, नन्ना राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। अब हम प्रश्न दो के अ निम्नलिखित शब्दों का विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। इधर दो कोष्टक है तो इसमें से आंसर आपको सामने से लिखकर लिखना है। आगे ऐसे है तो आगे तो उसका जो विलोम शब्द है वो क्या आएगा? तो आगे तो पीछे, एक उदाहरण भी आपको दिया है कि कैसे लिखना है, तो हम वही सीखेंगे। आगे उसका जो विलोम शब्द है पीछे, बड़ा तो उसका विलोम छोटा, दाएं तो बायां, धूप छांव, धरती उसका विलोम आकाश, ऊंचा तो उसका विलोम नीचा। उसके ब में उपयुक्त विलोम शब्द आधारित वाक्य बनाइए। आप जो विलोम शब्द बनाए हैं तो वो शब्द का प्रयोग करके उदाहरण अनुसार आपको वाक्य बनाना है। तो उसमें एक उदाहरण दिया है कि सब बच्चे आगे चले जा रहे थे। आगे का मतलब शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। दूसरा, आगे का विलोम शब्द क्या था? पीछे। तो उसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता। अब दूसरा, मेरा बड़ा भाई किसान है। यहाँ बड़ा बड़ा का उपयोग किया है हमने वाक्य में। मेरा बड़ा भाई किसान है, शिक्षक है। आप जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। फिर उसका विलोम में छोटा, तो छोटा का उपयोग करते हुए हम, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। दूसरा, दायां और बायां, तो उसका हम उपयोग करेंगे, अशोक का दायां पैर जख्मी है। और उसका आंसर में, बायां का आंसर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, अशोक का बाएं पैर अच्छा है। तीसरा, धूप शब्द का प्रयोग करेंगे। धूप में पसीना निकलने लगता है और उसका विलोम छाव, छाव में शीतलता मिलती है। चौथा, धरती उसका विलोम आकाश, तो धरती का शब्द में प्रयोग वाक्य में प्रयोग करेंगे, धरती में पौधा उगता है और आकाश में बादल होते है। पांचवा, नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, ऊंचा और नीचा। तुलसी का पौधा नीचा होता है। नीचा शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करते हुए वाक्य बनता है, तुलसी का पौधा नीचा होता है। आप कोई भी वाक्य या शब्द प्रयोग करके बना सकते हैं। अब प्रश्न त्रिज्या तीसरा में, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत यानी कि कोष्टक से ढूंढ कर लिखिए और उन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ आपको पर्यायवाची, इसका मतलब समानार्थी शब्द दिया गया है। कोष्टक में से दो शब्द इधर लिखना है। तो पहला है राही, तो राही का समानार्थी अर्थ होता है, एक तो होता है मुसाफिर और दूसरा होता है पंथी। दूसरा है सिपाही, सिपाही का समानार्थी पर्यायवाची शब्द फौजी और सैनिक। धरती का समानार्थी लेके पर्यायवाची शब्द पृथ्वी और धरा। रास्ता उसका पर्यायवाची पंथ और राह। मंजिल का पर्यायवाची लक्ष्य और ध्येय। अब हम उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो पहला है मुसाफिर शब्द का वाक्य प्रयोग, मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। दूसरा, पंथी, पंथी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। दूसरा है फौजी और सैनिक, तो फौजी का शब्द प्रयोग करेंगे वाक्य में।
देश की रक्षा करता है, और सैनिक देश की रक्षा करता है। तीसरा है पृथ्वी और धरा, उसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। पृथ्वी पर अनाज पैदा होता है और धरा पर अनाज पैदा होता है। चौथा, मुसाफिर अपने पंथ पर चलता रहता है, पथ और राह, उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। मुसाफिर अपने पंथ पर चलता रहता है, और राह का शब्द प्रयोग वाक्य में करते हुए मुसाफिर अपनी राह पर चलता रहता है। पांचवा, हमें अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, इधर लक्ष्य का शब्द प्रयोग किया है। हमें अपना ध्येय ऊंचा रखना चाहिए, यह वाक्य में ध्येय का शब्द प्रयोग किया है हमने। अब प्रश्न चार, गुजराती में अनुवाद कीजिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं हिंदी में, तो उसका हम गुजराती में अनुवाद करेंगे। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, एटले के पृथ्वी ऊपर, धरती एटले पृथ्वी ऊपर पापी जन्म नहीं लेंगे, एटले के ले से नहीं। दूसरा, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे, उसके आंसर में बाढ़ रास्ता ऊपर डरिया वगर, बिना डरे एटले के डरिया वगर चल पाएंगे, चाली सकसे, बार को रास्ता ऊपर डरिया वगर चाली सकसे। तीसरा, मैं देश का सिपाही हूँ, तो क्या आएगा, हूँ देश नो सैनिक छू। चौथा, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, इसके आंसर में दुनिया में क्या पण बम पड़ से नहीं। पांचवा, हमारे देश का नाम भारत है, तो उसके आंसर में अपना देश नु नाम भारत छे। प्रश्न पांच, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियां कविता से ढूंढकर लिखिए। यहाँ कुछ पंक्ति दी है, उसका भावार्थ समझाते हुए उसके संबंधित कुछ पंक्ति कविता में से ढूंढकर लिखना है। पहला है, नन्ना राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, तो उसका काव्य में क्या प्रयोग हुआ है, रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के। दूसरा, नन्ना राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा, तो उसके आंसर में मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। तीसरा, नन्ना राही सबका प्यारा बनेगा, तो उसका काव्य में क्या पंक्ति थी, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। चौथा, हमारा देश शांति प्रिय है, तो उसका काव्य में क्या हुआ था, काव्य पंक्ति क्या थी, शांति की नगरी है मेरा यह वतन। अब हम प्रश्न छ, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो एक काउंस में दो शब्द दिए हैं, उसमें से एक शब्द लिखकर यहाँ खाली जगह में लिखना और वाक्य पूर्ण करना है। पहला है, लड़के खेल रहा है या रहे हैं, तो लड़के खेल रहे हैं। दूसरा, खाली जगह क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं के हम, यहाँ हूं बोला है तो एक ही व्यक्ति है, तो उसके अर्थ में आएगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तीसरा, आप कहाँ जा रहे है या है, तो उसके आंसर में है जो उसके ऊपर अनुस्वार है वो है आएगा, आप कहाँ जा रहे हैं। चौथा, खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, ये या इन, तो यहाँ आएगा इन, इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। ज्यादा किताबों है तो उसमें ढूंढना है कि आपकी किताब कौन सी है, इसलिए यहाँ इन आएगा। पांचवा, हम खाली जगह, तो हम पढ़ता है या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, यहाँ हम का प्रयोग हुआ है तो इसलिए यहाँ आएगा पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। प्रश्न सात, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखना है, उसके उत्तर में हम लिखेंगे देश।
दो लिखना है, देश या सिपाही। पहले हम देश का देखेंगे। भारत हमारा देश है। पुराने जमाने में यहाँ भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे, उन्हीं के नाम से हमारा देश भारत कहलाया। भारत नाम कैसे हमारा देश का नाम रखा गया है, तो ये बताया है कि एक भरत नाम का वीर और प्रतापी राजा था, उसके नाम से हमारा देश को भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान भी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारा देश विशाल है। यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं, वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारे देश में कई जाति के लोग, धर्म के लोग साथ में रहते हो, साथ में मिलजुल कर अपना त्योहार मनाते हैं, तो सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70% लोग खेती करते हैं। यह देवभूमि है। हमारा देश भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। दूसरा है, नन्ना मुन्ना राही हूँ मैं सिपाही। सिपाही का पात्र था ना, छोटे बच्चे का, सैनिक बनना चाहता था। तो हम अब सिपाही का दूसरा देखेंगे। सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आजादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसका जीवन का लक्ष्य है। उसके लक्ष्य एक ही होता है कि हम देशवासी और देश की रक्षा करें। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। प्रश्न 8। इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचिए, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताइए और लिखिए, ये देश की सेवा कैसे करते हैं? तो यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं। ये जो होते हैं लोग, वो देश की सेवा कैसे करते हैं, इसके हम आंसर देखेंगे। पहला है किसान। तो किसान कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करता है। वो धूप में भी मेहनत करता है और नई नई फसल खेत में पैदा करता है। दूसरा, कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर वो क्या करता है, जो गोबर नहीं होता है ना गाय का, तो गौमूत्र, वो सबका उपयोग करके वो कुदरती एक खाद बनाता है और उसका उपयोग करके देश के लोगों की सेहत अच्छी करने में वो मदद करता है। कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके, क्योंकि कुदरती खाद का ज्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करते हैं। दूसरा, शिक्षक। बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, क्योंकि वो बड़े होकर अच्छे नागरिक बने। बच्चों में जीवन कौशल व विनय जीवन मूल्य स्थापित करते हैं। ऊंचे आदर्शों का आचरण करते हैं। तीसरा है खिलाड़ी। खिलाड़ी क्या करता है, तो खेल दिली रखकर, धोखेबाजी छोड़कर, वो धोखेबाजी नहीं करता है, अपने मन से वो खेलता है। सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर, उसमें जो भी कौशल है वो खिलाड़ी है वो मैदान में जाकर दिखाता है। कलाकार। कलाकार आजीवन कला की साधना करते हैं, केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर। और तो तीसरा, सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों को उजागर करते हैं। पांचवा, मैं क्या करता हूँ, तो उसमें पहला अच्छी पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्ण करके, दूसरा अच्छे गुणों का स्वीकार करके, तीसरा ऊंचे आदर्श रखकर और उनका आचरण करके, और चौथा छोटी छोटी बातों का भी महत्व समझकर। क्या करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अपना जो कर्तव्य है पूर्ण करेंगे, वो सब में से अच्छे गुण स्वीकार करेंगे, जो नकारात्मक विचार है उसको दूर करेंगे, सकारात्मक विचार को हम अपनाएंगे,
ऊंचा आदर्श रखेंगे और उनका आचरण भी करेंगे, और छोटी बातों का वो महत्व जो होता है वो समझकर अपनी जिंदगी जीना सीखेंगे।